डियर स्टूडेंट्स, देखिए एक शॉर्टेस्ट वीडियो आपको है। ये क्या है? ये है सिर्फ पैसिव इम्यूनिटी का वीडियो, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा था, अभी जो पॉइंट आपने पढ़ा था इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था, इम्यूनाइजेशन में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि एंटीजन, एंटीजन प्रोड्यूसिंग पैथोजन को, ठीक है, हम वैक्सीन के रूप में डालते हैं, ठीक है। ये पैथोजन, ठीक है, या तो क्या था, या तो लाइव था, या तो वीकेंड था, या किल्ड था, जो भी करते थे, बट हम इसमें पैथोजन को डालते थे, और पैथोजन क्या सेक्रेट करता था, एंटीजन, और तब जाके क्या बनता था, एंटीबॉडी। यानी डायरेक्ट एंटीबॉडी हम नहीं डालते थे, एंटीजन डालते थे। तो अभी तक जो भी इम्यूनाइजेशन में हमने पढ़ा, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में पढ़ा, ठीक है, चाहे हमें, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन को पढ़ा, चाहे हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा, या हमने सेकेंड जनरेशन पढ़ा, या हमने थर्ड जनरेशन पढ़ा, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, या सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, या थर्ड जनरेशन वैक्सीन, एक्चुअल में तीनों जनरेशन ऑफ वैक्सीन में हमने क्या देखा कि किसी न किसी तरह से सिर्फ एंटीजन को डाला गया है, चाहे लाइव पैथोजन के रूप में, चाहे वीक पैथोजन के रूप में, चाहे किल्ड पैथोजन के रूप में, चाहे मॉडिफाइड एंटीजन के रूप में, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटीजन के रूप में, चाहे डायरेक्ट डीएनए के रूप में डाला गया, बट एंटीजन ही डाला गया। तो एंटीजन के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप होती थी उसको क्या बोलते थे, एक्टिव इम्यूनिटी। तो बताइए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन। बट तो कहता है पैसिव इम्यूनिटी का जो होगा वो क्या होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें क्या हुआ था, कहता है कहानी है 1891 का जो कहानी है, ये कहानी है कि एक पेशेंट थी, छोटी सी बच्ची थी, वो मरने वाली थी किससे, डिप्थेरिया से। और ये डिप्थेरिया, ठीक है, ये डिप्थेरिया किससे कॉज होता है, कहते ये डिप्थेरिया कॉज होता है आपको ओराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से। मैं आपको बता दूं, ये ओराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया से होने वाला ये, सॉरी, ओराइनी, ये डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये तीनों, पर्ट्यूसिस को हुपिंग कब बोलते हैं, ब्लैक कब बोलते हैं, ठीक है, काली खांसी बोलते हैं, ये पर्ट्यूसिस, डिप्थेरिया और टिटनेस, ये तीनों बच्चों में ही होता है, चिल्ड्रेन का ही डिजीज है। इससे 6-7 साल की बच्ची एक थी, वो मरने वाली थी। तो 1891 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट होते हैं, उनका नाम था वॉन बेरिंग। क्या नाम था, वॉन बेरिंग। उन्होंने क्या किया, ठीक है, मतलब एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उन्होंने सिप को लिया, ठीक है, किसको लिया, सिप को, और उसको उन्होंने क्या किया, उसको इन्फेक्टेड करवा दिया किससे, इन्फेक्टेड विद ओराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया से उसको क्या किया, बैक्टीरिया से उसको, ठीक है, क्या किया, इन्फेक्टेड करवा दिया, ओराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड करवा दिया, ठीक है। ये ओराइनी बैक्टीरियम इन्फेक्टेड, ये ओराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड करवाने के बाद कुछ समय तक वेट किया, उसके बाद उसके ब्लड को निकाल, एक्सट्रैक्टेड द ब्लड ऑफ सिप,
ठीक है। उसके बाद क्या किया, सीरम को अलग कर दिया, सीरम ठीक है सेपरेटेड। उसके बाद उसके एंटीबॉडी को निकाला और एंटीबॉडी को उन्होंने उस बच्ची में 7 ईयर ओल्ड ठीक है इन्फेक्टेड गर्ल को दिया। ड्रामेटिकली गर्ल पूरा का पूरा रिकवर हो गया, ठीक है। वो गर्ल क्या हो गया, रिकवर हो गई। और गर्ल रिकवर हो गई इसका मतलब उसमें जो एंटीबॉडी बना था वही एंटीबॉडी सिप के अंदर जो एंटीबॉडी बना था किसके खिलाफ, कोरोनी बैक्टीरियम के खिलाफ, ठीक है। तो कहता वो एंटीबॉडी उसको दिया। इस तरह से इनको क्रेडिट दिया गया कि नहीं एंटीबॉडी एंटीबॉडी ठीक है इम्यूनाइजेशन यानी एंटीबॉडी का यूज करके भी इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, एंटीबॉडी का यूज करके इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला, क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। यानी कि अभी तक सोचते थे कि नहीं एंटीजन वैक्सीन के रूप में देंगे और तब इम्यूनिटी डेवलप होगा, ठीक है। तो कहता वो बड़ा स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए अभी कोरोना का पूरा चल रहा है, कोरोना के वैक्सीन को तैयार करने में कितना देर लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, जबकि पूरे वर्ल्ड में एक से एक कंट्री है, एक से एक साइंटिस्ट है, एक से एक फैसिलिटी है। तो कहता है कि लेकिन लेकिन एक अभी भी काम कर रहा है, वॉन वेरिंग साहब का एक थ्योरी अभी भी काम कर रहा है। हो क्या रहा है, जिस बंदे को कोरोना हो गया उसके बॉडी में क्या बना हुआ है, इम्यूनिटी, ये सॉरी एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी कहाँ पे रखा हुआ है, प्लाज्मा में। इसलिए अभी नाम सुनते हो गए प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा, एक तरह से आप बोल सकते हैं प्लाज्मा थेरापी को क्या, पैसिव इम्यूनाइजेशन, क्या बोल सकते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसको आप बोलेंगे पैसिव इम्यूनाइजेशन, बच्चे पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये प्लाज्मा थेरापी इज ए टेक्निक ऑफ, इज ए कॉपी ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन व्हिच वाज स्टार्टेड बाय वॉन वेरिंग इन 1891, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल गर्ल थी, इन्फेक्टेड डिप्थीरिया से परेशान थी, एक गर्ल उस पर उपयोग किया गया था, यूज किया गया था, और सिप का यूज किया गया था, उसमें इन्फेक्टेड मतलब बैक्टीरिया को डाला गया, उसमें एंटीबॉडी बना, उसके ब्लड को निकाला गया, सीरम को अलग किया गया और उस क्लॉट को डाला गया ब्लड को, ठीक है, किसमें, उस बच्ची में, और वो ड्रामेटिकली सही हो गई। ऐसे भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम काम कर रहे हैं, कोई काम करते करते कहीं पे हमें कट लग गई, और कट लगे किसी जंग लगी हुई चाकू से या किसी लोहे से, तो देखते हैं जाके मार्केट में आप सुई लेते हैं, ATS एंटी टिटनेस सीरम, ये जो सीरम नाम बोलते हैं ना सीरम, वही सीरम, सीरम सेपरेट किया गया, सीरम सेपरेटेड और उसको डाल दिया गया, ठीक है। ये जो सीरम होता है ना वही तो एंटीबॉडी है, ठीक है। क्लॉट को अलग कर दिया गया, सीरम को अलग कर दिया, प्लाज ब्लड माइनस फाइब्रोजन इक्वल टू सीरम, क्लॉट अलग हो गया, फाइब्रोजन वाला क्लॉट अलग हो गया, सीरम अलग हो गया, सीरम को डाल दिया गया बॉडी में और बच्ची रिकवर हो गई। तो ब्लड माइनस फाइब्रोजन, ये सीरम क्या होता है, ये सीरम होता है ब्लड माइनस फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, क्लियर है। तो कहता है एंटी टिटनेस सीरम लेते हैं, यानी कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का, पैसिव इम्यूनाइजेशन का, पैसिव इम्यूनाइजेशन इसका एग्जांपल क्या है, तो कहता है ATS एंटी टिटनेस सीरम, एंटी टिटनेस सीरम, ठीक है। तो कहता है टिटनेस के खिलाफ, डिप्थीरिया के खिलाफ, ये सब के खिलाफ पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते, पैसिव इम्यूनाइजेशन का यूज करते। या किसी को अगर सांप काट लिया, तो सांप काट लिया तो कहेगा कि नहीं भाई आपने वैक्सीन नहीं लिया था, अब तो आपको मरना ही है, ठीक है। तो तुरंत वाला वैक्सीन दिया जाता है जिसके लिए तुरंत उसमें एंटीबॉडी बने, तो एंटी वेनम इन्हें स्नेक के वैक्सीन को क्या बोलते हैं, सॉरी स्नेक के पॉइजन को क्या बोलते हैं, वेनम। तो एंटी वेनम, ठीक है, ध्यान दीजिए, एंटी वेनम वैक्सीन, ठीक है, एंटी टिटनेस वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन एंटी टॉक्सिन वैक्सीन, टॉक्सिन वैक्सीन, ये सब किसमें आएगा, ये सब आएगा आपको, ठीक है, इसी पैसिव इम्यूनाइजेशन आएगा।
इसी पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? तो बताइए पैसिव इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया? यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन है, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, वो किसका टाइप हो गया? एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। और जो एंटीबॉडी दे के, मतलब वैक्सीन के रूप में अगर एंटीबॉडी देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन का। ओके, चलिए ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।